चेटी चंड का, सिंधियों का, और सबसे पहले तो सबको हैप्पी चेटी चंड, जय झूलेलाल। वैसे आज तीन फेस्टिवल है, एक ईद भी है और जैन लोगों का भी फेस्टिवल है, तो सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मेरे मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक और जैन भाइयों को मिच्छामी दुक्रम, यही कुछ बोलते हैं भाई, सॉरी अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया। तो आज हम कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ सेलिब्रेशन किया, कैसे अहमदाबाद में सेलिब्रेशन होता है चेटी चंड का। अगले साल जो मैंने ब्लॉग क्रिएट किया था उसको आपने काफी प्यार दिया, काफी सपोर्ट किया, प्लीज इस वीडियो को भी सपोर्ट करना और आगे शेयर जरूर करना अपने सिंधी भाइयों को। हो सकता है आप में से कोई ना कोई मेरे व्लॉग में आ चुका हो, मैंने ज्यादा से ज्यादा सबको कैप्चर करने की कोशिश की है। हमारी शुरुआत होने वाली है, सबसे पहले तो हमारे जो नजदीक में अपार्टमेंट है वहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से चेटी चंड सेलिब्रेशन करते हैं, तो पहले आप वो एंजॉय कीजिए, देखिए कैसे सोसाइटी में एंजॉय करते हैं, उसके बाद चलते हैं रैली में, क्योंकि रैली का टाइमिंग थोड़ा लेट है, तो वो निकलने वाली है रैली, तो वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज इसी तरह की वीडियो आती रहती है। वैसे मैं होलसेल मार्केट की बनाता हूँ, आप में से किसी का भी होलसेल का काम है या होलसेल का वीडियो बनवाना चाहते हो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, बाकी मैंने ईमेल आईडी नीचे दे दिया और इंस्टाग्राम आईडी भी आप साइड में देख रहे हो, तो फॉलो करके रखना बिकॉज इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। ओके ओके ओके, ऑल सेट भाई, चेटी चंड का पूरा माहौल जम चुका है एंड यहाँ पे प्रेम भाई आ चुके हैं। चेटी चंड जू ताके लख लख करोड़ों करोड़ों वादायूं। गाइस नीचे कुछ ऐसा माहौल है, गाइस यहाँ पे प्रसादी भी चालू है, देख सकते हैं, यहाँ देखो सिंधी सॉन्ग भी चल रहा है। गाइस यहाँ पे डांस चल रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ सामने बरसाती बट रही है एंड यहाँ पे डांस चल रहा है, ये सारे सिंधी भाई हैं देख सकते हैं आप। तो अभी यहाँ पे प्रसाद बट रहा है एंड यहाँ पे काफी चीजें बट रही हैं, सभी भाइयों को प्रसाद वगैरह दे रहे हैं, शरबत भी मिल रहा है, काफ़ी अच्छा सिस्टम बनाया हुआ रखा हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है, देख सकते हो कैसे सेटिंग मस्त की हुई है। तो गाइस अभी हम घर से बाहर निकल चुके हैं, मैं और करण भाई एंड जा रहे हैं कुबेर नगर, तो यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ पे प्रोग्राम चालू एंड यहाँ पे भी प्रसादी बांटना स्टार्ट होगी, अभी लग रहा है सिस्टम, ऑलरेडी प्रसादी चालू है, देख सकते हो कितने सारे टेंट लगे हुए, सिंधी गाने भी चल रहे हैं, कहीं पे प्रसादी चालू है और कहीं पे अभी स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी रैली निकलने वाली थोड़ी देर में। अभी आप देख रहे हो ना, ये सब तैयारी हो रही है, यहाँ पे बहुत बड़ी रैली निकलने वाली है, रैली भी आपको दिखाएंगे, और ये देखो ये ट्रक सजा रही है सामने, ये पूरी ट्रक डेकोरेट होगी और ऐसी रैली, मतलब ऐसा कुछ जुलूस निकलेगा, सिंधी लोगों का कुछ प्रोग्राम होगा, तो कुछ यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से सरकारी वगैरह होता है। गाइस यहाँ पे सिक्योरिटी आप देख सकते हो एंड यहाँ से रैली स्टार्ट होने वाली है, जुलूस ये देखो गाड़ियाँ वगैरह आई हुई है, कैसे सजाया हुआ है, वाओ कैसे अमेजिंग बनाई हुई है, और भी आगे स्टार्ट होने की, ये तो स्टार्टिंग है। यहाँ पे बरसातें चालू है यार, एक बात है यहाँ पे बरसातें हर जगह पे मिलती है, बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं, इस तरह से गाड़ियाँ भी सजाई हुई है देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो शाम की पूरी तैयारी हो रही है और फुल क्वांटिटी में यहाँ पे आप देख सकते हो पाइनएप्पल क्रश, ओके तो भाई ये सब तैयारी हो रही है शाम की, दोपहर, अच्छा दोपहर में निकलेगा, कितने बजे का टाइमिंग है, ढाई से तीन बजे के आसपास, मतलब कहाँ तक जाती हो, यहाँ से सदरा में, अच्छा वो पहले वो कालूपुर जाती थी, नहीं वो अभी बंद हो गया लास्ट 10 साल से, अच्छा अच्छा चलो भाई साहब सबको जय झूलेलाल। सो गाइस ये जो मंदिर देख रहे हो ना आप झूलेलाल का, ये 50 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो कि कुबेर नगर में। गाइस यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं झूलेलाल मंदिर, जो कि राजावी पे है और ये 50 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। इस तरह का माहौल है यहाँ पे, प्रसादी बढ़ रही है, सिस्टम सजाया हुआ है, मेरा भाई भी यहाँ पे जा रहा है, देख सकते हो यहीं पे घूम रहा है ये, यहाँ पे हो रही है रैली की तैयारियाँ देख सकते हो, बजे एंड गाड़ियाँ देखो सारी सज रहा है, सारी सजाई हुई है, छोटा सा सब्सक्राइबर मिल गया प्रेम भाई का, जय झूलेलाल, देख पीछे देख इधर देख शिवजी जा रहे पीछे से। तो
गाइस अभी आपने जो पूरा शॉट देखा, पूरे फुटेज देखे, वो कुबेर नगर एरिया के थे। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सरदार नगर जा रहे हैं। तो सरदार नगर का भी शॉट देख लेंगे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी है। मतलब 5-6 दिन तो बाहर भी नहीं निकलना ऐसा पेपर में आया, बट फिर भी हम लोग वीडियो क्रिएट करने जा रहे हैं। और प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करके रखना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। लोग पहुंच चुके हैं सरदार नगर, स्टार्ट हो चुकी है। एक्चुअली यहाँ से भी रैली निकलने वाली है। यहाँ का माहौल आप कुछ देख सकते हो, जगह जगह पे सेवा चालू है, खाना पीना चालू है। और ये निकलने वाली है रैली की स्पेशल ट्रक, प्रसाद भी है झूले लाल जी का, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे रास्ते रास्ते पे शरबत प्रसाद सब कुछ मिल रहा है। जय झूलेलाल। 2-3 बजे 2-3 बजे तक। शाम को क्या है? शाम को कुछ प्रोग्राम है? शाम को सर्कस है। ओके, इसके बाद क्या है और मतलब नाश्ता? क्या बात है, क्या बात है। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। भाई यहाँ पे लेजेंड ऑफ पंजाब की तरफ से शाद दे रहे हैं सबको शिवाजी भाई। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। आप देख सकते हो कि सर्कस स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं।
भाई अभी हमारा खाना आ चुका है और अभी खाना खत्म करने के बाद इस ब्लॉग को भी करते हैं खत्म। उम्मीद आपको ये पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे फॉलो भी कर दे।